गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 9 मुल्ला नसरुद्दीन, उसमें एक्टिविटी नंबर 5 पेज नंबर 68। हमने आगे एक स्टोरी देखी है ना मुल्ला नसरुद्दीन की, और वैसे यहाँ पर एक स्टोरी है अकबर एंड बीरबल की। आपने अकबर और बीरबल का भी नाम सुना ही होगा, है ना? तो यहाँ पर एक स्टोरी है, हम देखते हैं। हियर इज अ स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। यहाँ पे अकबर और बीरबल की एक स्टोरी है। वन फाइन डे अकबर लॉस्ट हिज रिंग। एक दिन की बात है, अकबर की रिंग अंगूठी खो गई, गुम हो गई है। When Birbal arrived in the court, Akbar told him, "I have lost my ring." और जब बीरबल कोर्ट में आया, तब अकबर ने उनको बोला, "I have lost my ring." मेरी रिंग गुम हो गई है। मेरी रिंग क्या हो गई है? खो गई है। My father had given it to me as a gift. ये अंगूठी मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दी थी, वो अंगूठी मेरी क्या हो गई है? गुम हो गई है। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट। प्लीज़ मेरी मदद करो, उस अंगूठी को, रिंग को ढूंढने में मेरी मदद करो। ऐसा कौन बोल रहा है? अकबर बीरबल को कह रहा है। बीरबल सेड, डू नॉट वरी योर मैजेस्टी, आई विल फाइंड योर रिंग राइट नाउ। और फिर बीरबल ने अकबर को कहा कि डोंट वरी महाराज, आप चिंता मत करो, मैं आपकी रिंग ढूंढ लूंगा। अभी मैं आपकी रिंग क्या करता हूँ? ढूंढता हूँ। वैसा बीरबल ने कहा। लुक एट द पिक्चर, दिस इज अ अकबर एंड दिस इज अ बीरबल। ही सेड, Your Majesty, the ring is here in this court itself. It is with one of the courtiers. और फिर बीरबल कहता है कि महाराज, आपकी रिंग है ना, यहीं पर ही है, इस दरबार में है, और it is with one of the courtiers. और यहाँ सब दरबारी है, सब बैठे हैं, उन्हीं में से किसी एक के पास आपकी रिंग है। The courtier who has a straw in his beard has your ring. और फिर बोलता है कि जिनकी बियर्ड यानी दाढ़ी, जिनकी दाढ़ी में तिनका है, उन्होंने आपकी रिंग चुराई है, उन्हीं के पास आपकी रिंग है। The courtier who had the emperor's ring was shocked and immediately moved his hand over his beard. फिर ये सुनकर बीरबल ने कहा कि जिनकी दाढ़ी में तिनका होगा उनके पास आपकी रिंग है। तो ये सुनकर सभी दरबारिया वहाँ पर बैठे थे, सभी सम्राट वहाँ पे बैठे थे, वो शॉक हो गए और इमिजिएटली तुरंत क्या किया कि मूव्ड हिज हैंड ओवर हिज बियर्ड, और अपनी दाढ़ी पर से हाथ ले लिया। बीरबल नोटिस दिस एक्ट ऑफ द कोर्टियर। और ये बीरबल ने नोटिस किया कि जिसने अपनी दाढ़ी पर से हाथ ले लिया, उस पर बीरबल ने नोटिस किया। ही इमीजिएटली पॉइंटेड टावर्ड्स द कोर्टियर एंड सेड, प्लीज सर्च दिस मैन, ही हैज द एम्परर्स रिंग। फिर क्या हुआ कि इमीजिएटली बीरबल ने बोला कि पॉइंट किया कि उस सैनिक के पास आपकी रिंग है, प्लीज उनको सर्च दिस मैन, उनकी तपाशी लो। ही हैज द एम्परर्स रिंग, और उसके पास महाराज सम्राट की रिंग है। अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ बीरबल हैड मैनेज्ड टू फाइंड द रिंग। बीरबल देन टोल्ड अकबर दैट अ गिल्टी पर्सन इज ऑलवेज स्कैड। फिर क्या हुआ कि अकबर को समझ में नहीं आया
कि ये सब बीरबल ने कैसे मैनेज किया और कैसे मेरी रिंग ढूंढी, वो अकबर को समझ में नहीं आया। फिर बीरबल ने कहा अकबर को कि अ गिल्टी पर्सन इज ऑलवेज स्कैर्ड, कि जो व्यक्ति गलती करता है उसे हमेशा क्या होता है, डर रहता है। जो इंसान गलती करता है उन्हें उस गलती की हमेशा क्या होती है, डर रहता है। तो इसलिए जो दरबारी था उन्होंने अपनी दाढ़ी पर से जो हाथ ले लिया, तभी बीरबल ने नोटिस किया कि यही चोर है, इसी ने ही क्या किया है, अकबर की रिंग चुराई है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, गिल्टी पर्सन इज ऑलवेज स्कैर्ड, जो व्यक्ति खराब काम करता है उसे हमेशा डर रहता है। सो आगे भी हमने एक स्टोरी देखी थी मुल्ला नसरुद्दीन की, तो उस स्टोरी में से हमको क्या सीख मिली थी कि जितना हमारे पास है उतने में ही हमें क्या करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, और जो हमारे पास नहीं है जो चीज़ उसकी हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, है ना। वो मैन के पास, वो मैन की जो कंप्लेन थी ना कि मेरा हाउस बहुत ही छोटा है, स्मॉल है, वो कंप्लेन करता था ना, लेकिन मुल्ला ने क्या उसको एडवाइस दी कि सब जो उनकी जो चिकन्स थी वो उनके घर में ले आया। फिर क्या किया, एक गॉट था, गॉट थी वो भी घर के अंदर ले आया, डोंकी को भी घर के अंदर लाने के लिए सीख दी। फिर वो जो मैन था वो बहुत ही अपसेट हो गया, है ना, उनका घर बहुत ही वो हो गया, बीरबल वाला। इसलिए फिर मुल्ला ने उनको क्या दिया, फिर एडवाइस दी कि वो उन लोगों को घर के बाहर रख दो। तो फिर उनका घर कैसे हो गया, पहले जैसा हो गया ना। इसलिए सभी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए, है ना, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है उनकी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, जितना है हमारे पास उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट होता है, और इनकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।